हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है बेबी कैमल एंड मदर, जिसमें आप देखेंगे किस तरह से एक मदर कैमल यानी एक मदर ऊँट, एक माँ ऊँट अपने बेबी कैमल को किस तरह से एक्सप्लेन करती है, समझाती है, उसके कन्फ्यूजन को दूर करती है। तो गाइस, इस स्टोरी को पूरी तरह से समझने के लिए, इसका ट्रांसलेशन देखने के लिए आप इस वीडियो को फुल वॉच करें, जिससे कि आप हमेशा की तरह इंग्लिश के नए नए वर्ड्स और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को आप सीख पाएँ और समझ पाएँ। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम पूरा अच्छी तरह से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या आपके सामने टाइटल है, द बेबी कैमल एंड मदर। इट मीन्स एक बच्ची कैमल है, बेबी यानी बच्चा या बच्ची दोनों होता है, ठीक है। इसमें जेंडर का कोई भी रोल नहीं है, ये कॉमन जेंडर है, बेबी यानी बच्चा या बच्ची हो सकता है, कैमल मीन्स ऊँट और मदर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जो पहला सेंटेंस है हमारा, देखिए इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपको बहुत कन्फ्यूज करेंगे। आपको उन्हीं को सीखना है ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो सके, आपका जो इंग्लिश है वो एक अच्छे लेवल तक पहुँच सके, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिए, इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिए। अ मदर एंड अ बेबी कैमल वर लाइंग एंड सडनली द बेबी कैमल आस्क्ड, यानी एक मदर और एक बेबी कैमल, एक माँ और एक बच्चा, ऊँट का बच्चा, ठीक है। वर लाइंग मतलब लेटे हुए थे, वर याने थे, लाइंग मीन्स लेटे हुए, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझिए कि जो लाई वर्ड है, ठीक है, लाई से बना है ले, लैन और लाइंग, लाइंग उसका फोर्थ फॉर्म है। तो यहाँ पर मेन जो फर्स्ट फॉर्म है वो लाई है, जिसका मतलब होता है लेटना, ठीक है। और लाई का दूसरा मतलब होता है झूठ बोलना। आपने सुना होगा कि यू आर लाइंग, आप तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लायर, तुम एक झूठे हो। तो इस तरह से ये बहुत कन्फ्यूजिंग वर्ड है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर ढंग से उसके चारों फॉर्म को मैंने नोट कर रखा है। तो लाई मतलब झूठ बोलना भी होता है और लाई मतलब लेटना भी होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो वो लेटे हुए थे एंड सडनली, और अचानक से द बेबी कैमल आस्क्ड, जो बच्चा कैमल था, छोटा सा कैमल था, उसका बेबी, उसने पूछा, अचानक उसने पूछा, मदर मे आई आस्क यू सम क्वेश्चंस। जैसे आप लोग है ना बचपन में या अभी भी पूछते होंगे, कुछ परमिशन लेनी होती है, तो मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। जब बच्चे बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मे आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, क्या मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं। मदर सैड, माँ ने कहा या माँ बोली, श्योर निश्चित, वाई सन, इज देयर इज समथिंग बॉदरिंग यू, ओके। तो वो बोली वाई सन, क्यों बेटा, वाई सन, वाई नहीं वाई, बहुत लोग बोलते हैं ना वाई, डब्ल्यू एच को वा, वो गलत है, इनकरेक्ट है। आपको डब्ल्यू एच वाई को, डब्ल्यू एच ए टी को वा बोलना है, वा, इसमें एच साइलेंट होता है। वाई सन, क्यों बेटा, इज देयर समथिंग बॉदरिंग यू, क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। बॉदरिंग मतलब होता है परेशान करना या परेशान होना, ठीक है। बॉदर, बॉदरिंग, ठीक है ना, बदर्ड, ये ऐसे बनता है। इसको ढंग से प्रोनाउंस करना सीखिए, यहाँ पर मैंने उसका उच्चारण भी लिख रखा है, बदरिंग, ठीक है, बदरिंग नहीं, बदरिंग नहीं, बदरिंग, ठीक है। तो इज देयर समथिंग, क्या कुछ है ऐसा, इज आ गया पहले तो सेंटेंस बन गया प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव, जिसकी हिंदी निकलेगी क्या से, क्या, क्या ऐसा है, क्या वैसा है, इज देयर समथिंग, क्या कुछ ऐसा है, बात समझ पा रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है ताकि आपकी ग्रामर और साथ साथ जो है इंग्लिश के वोकेबलरी, वर्ड्स, कॉन्सेप्ट सब कुछ इम्प्रूव होता जाए, ठीक है, और आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर पाए। बेबी सैड, बच्चे ने कहा, वाई डू कैमल्स हैव हम्स, हम्स यानी होता है कूबड़। आप देख रहे हैं उस ऊँट के ऊपर जो है पीठ में एक है ना इस तरह से टीले की तरह बना हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं बम्स, कूबड़। तो कह रही है
वाई टू कैमल्स हैव, हैव मतलब होता है पास में होना। तो ये चूंकि एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो पूछ रही है कि क्यों, वाई यानी क्यों डू कैमल्स हैव, कैमल के पास होता है या कैमल के पास है बम्स, बम्स यानी कूबड़। ये कूबड़ क्यों होता है जो हमारे स्ट्रक्चर को, हमारी बनावट को खराब करता है, ठीक है ना। उसका क्वेश्चन ये है, मदर सैड, ठीक है, देखिए माँ ने कहा, मदर सैड वेल सन, ठीक है बेटा, वी आर डेजर्ट एनिमल्स, डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, हम रेगिस्तान के एनिमल्स हैं, वी आर हम हैं, ठीक है, डेजर्ट एनिमल्स, वी नीड, हमें ज़रूरत है या ज़रूरत पड़ती है द हम्स टू स्टोर वाटर, हमें इन हम्स की, इन कूबड़ की आवश्यकता है, नीड है टू स्टोर करने, स्टोर मतलब है ना इकट्ठा करना, एकत्र करना, हमें एकत्र करने की आवश्यकता होती है, क्या एकत्र करने की, वाटर एंड फूड, ठीक है, वी आर नोन, ठीक है, आगे देखिए, वी आर नोन, ये एक सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, जब इज एम आर और वाज वेयर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वहीं समझ लीजिए, वहीं पकड़ लीजिए कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। ये हो गई ग्रामर की बात, वी आर नोन, हम जाने जाते हैं, ठीक है, यू आर नोन, तुम जाने जाते हो, दे आर नोन, वे जाने जाते हैं, इस तरह से आप चेंज कर लोगे और कई सारे सेंटेंस बना लोगे। तो हम जाने जाते हैं टू सर्वाइव विदाउट वाटर, सर्वाइव मतलब जीवित रहना, जीवित बने रहना, विदाउट वाटर बिना पानी के हम जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं। बेबी शेड, उस बच्चे ने कहा, ओके ओके मॉम, ठीक है, ओके मैं समझ गया। देन अब उसका अगला क्वेश्चन, देन वाई आर अवर आर लेग्स लॉन्ग एंड आर फीट राउंडेड, ठीक है, तो फिर ये बताओ कि हमारे जो लेग्स हैं, जो पैर है, वो लॉन्ग क्यों हैं, लंबे क्यों हैं, एंड आर फीट, हमारे जो पैर है, ठीक है, फीट क्या है, फुट का प्लूरल है, ठीक है, आप पढ़े होंगे फुट यानी पैर, ठीक है, तो ये फीट क्या है इसका, फीट उसका प्लूरल है, बहुवचन फॉर्म है, ठीक है, रूप है उसका। तो पूछना चाहता है कि फिर क्यों जो हमारे पैर हैं वो लंबे हैं और राउंडेड है, गद्दीदार है, गोल है, आप देखोगे जो पंजे होते हैं ऊँट के, वो थोड़ा सा राउंड होते हैं और गद्दीदार होते हैं, तो कि ऐसा क्यों है। मदर सेड, उसकी माँ ने जवाब दिया, माँ ने कहा, सन बेटा, ठीक है, वो बेटा है, ओबियसली यानी निश्चित तौर पे, ओबियसली निश्चित तौर पे, दे आर मींट, दे आर मींट का मतलब होता है वे बने हुए हैं, किसके लिए, इसे बोलते हैं ना कि मैं उसके लिए बना हूँ, ये चीज़ मेरे लिए बनी है, वे हमारे लिए बने हैं, तो दे आर मींट, वे बने हैं, हम तुम्हारे लिए बने हैं, वी आर मींट फॉर यू, आई एम मींट फॉर यू, सी इज मींट फॉर मी। तो जब ऐसा यूज हो तो इसका सेंस होता है कि वो चीज़ हमारे लिए बनी है या उसके लिए बनी है। तो दे आर मींट फॉर वॉकिंग इन द डेजर्ट, जो हमारे फीट की बात कर रहे हो तो वे बने हुए हैं किसके लिए, फॉर वॉकिंग इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में वॉकिंग करने के लिए, चलने के लिए बने हुए हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यू नो, तुम जानते हो, विथ दीज लेग्स आई कैन मूव अराउंड द डेजर्ट बेटर देन एनी वन डज, यू नो, तुम जानते हो कि विथ दीज लेग्स, इन पैरों के साथ या इन पैरों से, विथ दीज लेग्स आई कैन मूव, मैं मूव कर सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, कैन मतलब सकता है या सकती है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है हमेशा, कैन के साथ, मे के साथ, ठीक है, विल के साथ, वुड के साथ, आई कैन मूव अराउंड द डेजर्ट, यानी डेजर्ट में मैं अराउंड यानी चारों तरफ यहाँ वहाँ मैं चल सकता हूँ, बेटर देन एनी वन डज, बेटर देन से बेहतर, एनी वन कोई डज यानी करता है, यानी कोई
जो करता है उससे हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, बेबी सैड, बेबी ने कहा ओके, देन ओके, देन वाई आर अवर सॉरी अवर आई लेसेस, अवर आई लेसेस लॉन्ग, आई लेस मतलब कि जो आँख की पलकें होती हैं, ठीक है, और ये जो आपकी भौहें होती हैं, ठीक है ना, तो वो लंबी होती हैं, उनकी उनके बाल जो होते हैं बड़े होते हैं, क्यों होते हैं वो जानना चाहता है। ठीक है, उसका क्वेश्चन है कि वो लंबे क्यों होते हैं। देन वाई आर अवर आई लेसेस लॉन्ग, हमारे आई लेसेस जो हैं पलक या बरौनी जो हैं वो लंबी क्यों हैं। समटाइम्स यानी कभी कभी, इट बदर्स, देखिए ये बदर फिर आ गया ना, ऊपर था बदरिंग, यहाँ है बदर, तो बदर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है परेशान करना या होना। तो इट बदर्स यानी इट यानी यह है, यह जो बरौनियाँ हैं, बरौनी हैं, बदर्स करती यानी परेशान करती हैं माय साइट, साइट यानी दृष्टि, जैसे ये पलकें अगर आपकी और लंबी हो जाएं, अगर आप आँख खोलेंगे भी तो आई लेसेस काफ़ी ज़्यादा आपकी आँख को ढक लेंगे, कवर कर लेंगे, तो यानी आपकी जो दृष्टि है वो थोड़ा सा परेशानी में पड़ जाएगी या आप देखने में समस्या होगी आपको। तो माय साइट यानी मेरी जो दृष्टि है, ठीक है ना, वो परेशान हो जाती है या वो समस्या होती है उसके लिए। तो मदर विथ प्राइड, जो माँ थी विथ प्राइड गर्व से, विथ यानी से, प्राइड यानी गर्व, विथ प्राइड गर्व से बोली, क्या बोली, माय सन मेरे बेटे, दोज लॉन्ग थिक आई लेसेस आर योर प्रोटेक्टिव कवर, वो जो दोज वो लॉन्ग थिक बड़े और मोटे आई लेसेस होते हैं, ठीक है, आर योर प्रोटेक्टिव कवर, तुम्हारे सुरक्षात्मक आवरण है, किसके लिए, आँख के लिए, जो आँख है उसके लिए एक तरह की सुरक्षा है। कैसे, आगे देखिए, ठीक है, तो ये बात आपको कंफर्म हो जाएगी कि जो ऊँट के आई लेसेस हैं, आँखों के लंबे जो बरौनियाँ हैं, वो उनके लिए एक तरह की सुरक्षा है। कैसे, दे हेल्प टू प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम द डेजर्ट सैंड एंड विंड। आप जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर रेतीले तूफान आते हैं, ठीक है, आंधी चलती रहती हैं और रेत उड़ती रहती है, तो वो रेत जो है उनकी आँखों को हिट ना करे, नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है, चोट ना पहुँचाए या उनकी आँखों में ना पड़े, तो एक तरह की सुरक्षा होती है। ठीक है, दे हेल्प टू प्रोटेक्ट योर आइज, वे तुम्हारी आँखों को सुरक्षा प्रदान करने में हेल्प करते हैं, फ्रॉम द डेजर्ट सैंड, जो रेगिस्तान की सैंड है और हवा है उससे। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेबी आफ्टर थिंकिंग सैड, वो बच्चा सोचने के बाद, आफ्टर थिंकिंग सोचने के बाद कहा, बोला, आई सी, मैं समझ गया, आई सी, सो द हम्स इज टू स्टोर वाटर, जो हम्स हैं हमारे कुबड़ हैं, इज टू स्टोर, वो स्टोर करने के लिए है, एकत्रित करने के लिए है पानी। ठीक है, व्हेन वी आर इन द डेजर्ट, जब हम डेजर्ट में होते हैं, वी आर इन द डेजर्ट, हम जब डेजर्ट में होते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग ऐसा भी निकलेगा, और जब हम डेजर्ट में हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि इज एम आर है तो इसका मतलब केवल निकलेगा है, हम हैं, वे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता, होता है ऐसा भी आप हिंदी निकाल सकते हो कि ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है, हवा होती है, वाटर इज, वाटर होता है, जैसे वी आर इन द डेजर्ट, हम जब रेगिस्तान में होते हैं, तो इसका सेंस ऐसा भी निकलता है। बस आप ध्यान से सुनते जाइए, चीज़ों को समझते जाइए और ये कंटिन्यू करते रहिए, आपको इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, मेरा प्रयास यही है कि आपको ध्यान से सुनते सुनते, समझते समझते, जब आप कई चीज़ें सुन लेंगे, कई बार आप वो चीज़ें रिपीट होंगी, तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, द लेग्स आर फॉर वॉकिंग, जो पैर है वो वॉकिंग करने के लिए है, चलने के लिए है, फॉर यानी के लिए, थ्रू द डेजर्ट, थ्रू यानी होता है से होते हुए या से होकर, तो डेजर्ट से होकर चलने के लिए वो हमारे लंबे पैर है, उसके गद्दीदार उसका निचला हिस्सा है। ठीक है, दीज आई लेसेस, ये जो आई लेसेस हैं, ये जो बरौनियाँ हैं लंबी थिक, प्रोटेक्ट माई आइज,
हमारी आँखों को सुरक्षित रखती है, प्रोटेक्ट करती है, मतलब सुरक्षा प्रदान करती है फ्रॉम द डेजर्ट, डेजर्ट से, रेगिस्तान से। देन वॉट इन गॉड्स नेम, अब आगे वो कहता है कि सब चीज़ समझने के बाद वो कहता है कि देन यानी फिर या तो वॉट्स इन गॉड्स नेम, मतलब भगवान के नाम पर, वॉट इन गॉड्स नेम, भगवान के नाम पर वॉट आर वी डूइंग हियर इन द जू, वो लोग जू में है, ठीक है, जू यानी चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर में है वो बच्चा, तो कह रहा है कि तो भगवान के नाम पर फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ओके वॉट आर वी डूइंग हियर, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इन द जू, इस जू में, इस चिड़ियाघर में हम क्या कर रहे हैं, हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए क्योंकि हम वहाँ के लिए बने हैं, हमारे जो पूरा स्ट्रक्चर है, हमारी जो बनावट है, हम जो सुटेबल हैं वो रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए हैं, तो फिर हम इस जू में क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका मोरल क्या निकला गाइस, यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट होती है, इसका देखिए मोरल यानी शिक्षा क्या मिलती है इसको पढ़ने से, इसको सुनने से, स्किल्स यानी दक्षताएं, नॉलेज एबिलिटीज़, दक्षता कुशलताएं, नॉलेज ज्ञान, एबिलिटीज़ यानी आपकी क्षमताएं जो हैं, योग्यताएं, एंड एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस यानी आपकी अनुभव आर ओनली यूजफुल, वो केवल और केवल उपयोगी हैं, यूजफुल हैं, इफ़ यदि यू आर एट राइट प्लेस, यदि आप सही जगह पे हैं, सही व्यक्ति के साथ हैं, सही कंडीशन में हैं, तो ही आपकी जो गुण हैं, आपकी क्षमताएं हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो यूजफुल है। और यदि आप गलत प्लेस में हैं, ठीक है, जैसे आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी कुशलताएं हैं, वो इंजीनियरिंग फील्ड में हैं और आप डॉक्टर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में आप गए हुए हैं, तो वो तो काम नहीं आएगा, ठीक है, तो आपको उसी फील्ड में होना चाहिए, उसी फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पर आपकी कुशलताएँ, आपकी योग्यताएँ उपयोगी हों, ठीक है। तो आई होप दैट गाइस कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अपनी राय जो है, अपने सुझाव हैं, आप अपनी चीज़ों को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।